गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर ली है। गाजर को हमने धोकर इसका छिलका निकालकर कद्दूकस कर लिया है। अब प्रेशर कुकर गर्म होने के लिए रखेंगे। 2 चम्मच घी डालेंगे। घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। आंच मीडियम रखेंगे और गाजर को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। तीन मिनट हो गए हैं, गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें 1/2 कप फुल क्रीम मिल्क डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 2 सीटी आने तक गाजर को पकाएंगे। 2 सीटी आने के बाद फ्लेम बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे जब तक कि इसका प्रेशर अपने आप न निकल जाए। प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, इसका ढक्कन निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि गाजर बहुत अच्छी तरह से पक गई है। ध्यान रखें कि अगर आप गाजर को पानी में पकाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप दूध में पकाते हैं तो इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। अब फिर से गैस ऑन करेंगे और इसमें 4 से 5 कुटी इलायची डालेंगे। 1/4 कप ग्राम में 150 ग्राम चीनी डालेंगे। 3 से 4 चम्मच कंडेंस मिल्क डालकर सभी चीजों को मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, आप इसकी जगह खोया भी डाल सकते हैं, बट अगर आप खोया डाल रहे हैं तो आप चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें, क्योंकि कंडेंस मिल्क में चीनी रहती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी कम चीनी डाली है। अगर आप खोआ डालते हैं तो इसमें 1-2 चम्मच चीनी और बढ़ा दीजिए। हमने गाजर को दूध में पकाया है इसलिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें अब गाजर को हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाना है। गाजर हमारी पक चुकी है, बस हमें इसे हल्का सा गाढ़ा करना है। गाजर को हमने हल्का सा पकाकर गाढ़ा कर लिया है। गाजर के हलवा की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखना है, इसे हमें बहुत ज्यादा सूखा नहीं करना है। आंच बंद कर देंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। 4 से 5 कटी हुई बादाम, 5 से 6 कटे हुए काजू, 4 से 5 कटे हुए पिस्ता, 1 टीस्पून चिरौंजी, 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ नारियल डालकर सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अब गाजर के हलवा को ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सर्व करेंगे। हलवा ठंडा होने के बाद इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे और थोड़े से कटे मेवे से गार्निश करेंगे। काजू, बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे। गाजर का डिलीशियस हलवा बनकर तैयार है। इतना हलवा परिवार के 4 से 5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी की अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट anivadipencook@archana.com ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।